उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं दे एच डी न्यूज। अभी हम हैं लोजपा कार्यालय में। मैं आपको बता दूं कि बिहार में चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है और सभी पार्टी के लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देखें बीजेपी भी वर्चुअल रैली की उसी टाइप से लोजपा के लोग भी पूरी तरह से राजनीति को लेकर तैयार हैं और चुनाव को लेकर तैयार हैं और वर्चुअल रैली करने वाले हैं। उसको लेकर पार्टी में मीटिंग चल रही थी। हमारे साथ लोजपा के नेता संजय कुमार सिंह, इनसे जानते हैं क्या चल रही थी आज मीटिंग में। सर, आज क्या मीटिंग में चल रही थी? आज का जो मीटिंग हम लोग का हुआ है, उस मीटिंग में हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सदाधीन चिराग पासवान जी के द्वारा जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार बहुत जल्द हम लोग का वर्चुअल रैली होगी, जिसके लिए हम लोग को बताया गया है कि आप गांव-गांव में जो भी हमारे साथी हैं उनको जाना है और जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या फिर जो प्रभारी हैं उन सबों को भी बताया गया है कि आप सभी गांव की तरफ बढ़ें और जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनको जोड़ना है और वर्चुअल रैली की तैयारी करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके वर्चुअल रैली के द्वारा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सुन सके और लोजपा के जो भी साथी हैं वो अभी से मतलब पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए गाँव में जाकर और अभी से जो चुनाव की तैयारी करना है उसके लिए भी हम लोग को बताया गया है। साथ ही पहले भी हम लोग को ऐसा निर्देश मिला था कि बूथ कमेटी और सदस्यता जो हम लोग का चल रहा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रैली के समय से ही, उसको हम लोग को जमा करना है। साथ ही बूथ कमेटी हम लोग को कंप्लीट करके देना है और बूथ का समस्या जो मैनिफेस्टो हम लोग को बूथ वाइज बनाना था, जैसे कहीं रोड का, बिजली का, विद्यालय का, हॉस्पिटल का या जो भी समस्या है वो हम लोग को करके देना है। उसके लिए भी आज हम लोग को बताया गया है कि आप लोग उसको कंप्लीट करके बहुत जल्द से जल्द मतलब 30 तारीख तक सब लोग को दे देना है। साथ ही वर्चुअल रैली के द्वारा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो होगा उसकी तैयारी अभी से ही हम लोग शुरू कर देना है और अभी से हम लोग गाँव में जाकर उसका प्रचार प्रसार करना है। साथ ही आज जो हम लोग को बताया गया है उसके हिसाब से 2 कार्ड आ रहा है सर्टिफिकेट, उसमें 2 सर्टिफिकेट जो होगा, एक पीला और एक नीला सर्टिफिकेट है। उस पीले सर्टिफिकेट को जो है बूथ पे जो व्यक्ति अच्छा काम किए हैं उनको देना है और जो नीला कार्ड है वो चाहे बड़े पदाधिकारी हो, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो या फिर जो भी थाना के पदाधिकारी हैं या फिर आपके जो जिले के डॉक्टर हैं या फिर जो भी मतलब पदाधिकारी बी डी ओ साहब हैं, सीओ साहब, मतलब जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के समय में लोगों को मदद किया और अच्छा काम करने का काम किया है उनको वो सर्टिफिकेट हम लोग को देना है। और लोजपा नए तरीके से अभी चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है और आने वाले समय में हम लोग पूरे कमर कस चुके हैं और हम लोग पूरे जितने भी हम लोग को सीट पर चुनाव लड़ना है उस पर हम लोग की पूरी तैयारी चल रही है। वर्चुअल रैली को लेकर सर क्या डेट निर्धारित कर रही है? नहीं, डेट का अभी घोषणा नहीं हुआ है। डेट का घोषणा अभी बहुत जल्द हम लोग इसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग लेकर चुनावी सियासत पूरी तरह से कर रहे हैं और जब हम बात करें महागठबंधन की तो उसको देखते हुए सर लोजपा की तरफ से इस राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी तैयारी कर ली गई है? लोजपा देखिए पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे होंगे कि हम लोग का जो तैयारी है निश्चित रूप से बूथ स्तर तक हम लोग की तैयारी पहुंच गई है और हमारा जो कमेटी है, जो संगठन है, ये आने वाले मतलब पिछले 1-2 साल में मतलब बहुत ही सशक्त हुआ है। और जब से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब से युवा जो हमारे हैं और हमारे जम्मू के सांसद हैं जब से वो कमान संभाले हैं तब से निश्चित रूप से हम लोग का युवाओं में जो क्रेज बढ़ा है और काफ़ी संख्या में आज भी देखें कि हमारे युवा साथी काफ़ी जुड़े हैं तो लोजपा में नित नए युवा लोग जुड़ रहे हैं। तो अब आने वाले समय में हम लोग का चुनाव में जो है युवाओं का आप देखेंगे कि इस बार लोजपा की तरफ जितना झुकाव है इस बार निश्चित रूप से लोजपा जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ेगी हम लोग 95% लोग चुनाव जीतेंगे। तो आप देखें संजय कुमार सिंह जी का कहना है कि चुनावी तैयारी को लेकर पूरी तरह से लोजपा तैयार है और बिहार में पूरी तरह से चुनावी तैयारी कर ली गई है और इनका साफ कहना है कि लोजपा जितने भी सीट पर अगर लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव में उसमें 95% पर जीत हासिल करेगी और इसी को लेकर लोजपा के तरफ से वर्चुअल रैली भी कराई जाएगी लेकिन डेट निर्धारित नहीं की गई है अभी, लेकिन पूरी तरह से लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है।